स्वागत है सभी का। आप इन खबर देख रहे हैं और मैं आपके साथ रूपाली। महेंद्र सिंह धोनी के साथ बड़ा धोखा हो गया है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी यानी कि हमारे प्यारे माही के साथ उनके ही दोस्तों ने धोखाधड़ी कर डाली है। माही के दोस्तों ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो है वो 15 करोड़ के धोखेबाजी का केस सामने आया है। जब माही के दोस्तों ने उन्हीं के साथ 15 करोड़ की धोखेबाजी जो है वो की है, पूरे 15 करोड़ की। बता दें कि मामला तब सामने आता है जब महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही ने अपने ही दोस्तों के खिलाफ जो है रांची के कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। महेंद्र सिंह ने ये बात जो है इसका खुलासा किया है कि किस तरह से माही और उनके दो दोस्तों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। माही के दोस्त मिहिर दिवाकर और सौम्य शुक्ला जो कि एक पूरी मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, दरअसल आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है ये पूरी एजेंसी जो है ये माही के दोस्त मिहिर दिवाकर की है, जिन्होंने इस एजेंसी के तहत जो है माही के साथ 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद था कि माही, उनके दोस्त दोनों मिहिर दिवाकर और सौम्य शुक्ला एक क्रिकेट एकेडमी खोलने वाले हैं। दरअसल वो ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते थे। ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी की बात करें यानी कि वो देश भर में कई जगहों पर, देश के कई हिस्सों में जो है अकेडमी खोलना चाहते थे और उन्हीं की तरह कई बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बनाना चाहते थे। लेकिन माही के दोस्तों ने उन्हीं के साथ धोखा कर दिया है। दरअसल माही के वकील का कहना है इस पूरे मामले पर कि माही के दोस्तों ने उनके साथ ये धोखा किया कि ना तो उनको उनका शेयर दिया गया है और प्रोफेशनल रिलेशन जो थे वो भी ब्रेक किए गए हैं, जिसकी वजह से माही को पूरा 15 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। बात करें अगर आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो दरअसल ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एकेडमी जो है ये खोली गई है मिहिर दिवाकर द्वारा। मिहिर दिवाकर जो है वो इस पूरी एकेडमी को चलाते हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त हैं। लेकिन खुद मिहिर दिवाकर जो है, आपको बता दें 1999 से लेकर 2009 तक जो है उन्होंने खूब मैच खेले हैं, साथ ही साथ धोनी के साथ उन्होंने कई मैच खेले हैं। वहीं आपको बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2000 में भी मिहिर दिवाकर एज अ कप्तान जो है प्रदर्शित कर चुके हैं। भैया आपको बता दें कि इतनी बड़ी एजेंसी के मालिक होने के बावजूद भी जो है मिहिर दिवाकर ने इतना बड़ा धोखा अपने ही दोस्त माही के साथ कर डाला है। माही ने पहले तो अपने उनको चेतावनियां दी हैं, कई बार चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि उनका शेयर उनको लौटाया जाए, लेकिन बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोई जवाब जब उन एजेंसी से यानी कि आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से सामने नहीं आया, तो माही को अंत में जाकर अब ये शिकायत जो है वो कोर्ट के आगे दर्ज करानी पड़ी, क्योंकि 15 करोड़ का नुकसान जो है माही को हुआ है। बता दें कि माही जो है अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले जो है अपने दुबई दौरे से लौटे थे, जब माही ने अपना क्रिसमस और न्यू ईयर्स जो है वो दुबई में मनाया था। ऋषभ पंत भी मौजूद थे माही के साथ, जिसके बाद अब जब वो भारत लौटे तो सीधा माही की ओर से खबर आ रही है कि किस तरह से उन्होंने शिकायत जो है अपने ही दो दोस्तों के खिलाफ करवाई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था जिस एग्रीमेंट के तहत वो एग्रीमेंट की शर्तें जो है वो नहीं मानी गई है, यानी कि एग्रीमेंट की सारी शर्तें जो रखी गई थी उन्हें ब्रेक किया गया है। सबसे पहले तो ग्लोबल एकेडमी खुलने की बात कही जा रही थी, वो एकेडमी का खुलने का अब तक कोई भी नामो निशान नहीं बैठा है। साथ ही जो माही को शेयर देना था आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के द्वारा, माही को जो भी शेयर मिलना था वो शेयर भी माही तक अब तक नहीं पहुंचा है, जिसकी पूरी वजह से माही ने कई बार चेतावनियां भी दी है, लेकिन उन बातों को नहीं नजरअंदाज करते हुए जो है उनके दोस्तों ने माही का शेयर भी नहीं दिया और कोई भी शर्तों का पालन नहीं करा, जिसके बाद अब माही ने अंत में ये कदम उठाया है, जहां पर रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दोस्तों के खिलाफ जो है 15 करोड़ का नुकसान का मामला जो है वो दर्ज कराया है। बहरहाल इस पर आपका क्या टेक है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।